पड़ती है जी, फ्रेंड्स कॉलोनी संजय नगर गाजियाबाद। रैपिड रेल का मेट्रो स्टेशन बना है यहाँ पर दुहाई से, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अक्षय और आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं थोड़ा आउटस्कर्ट जमीन के लिए, जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक्सटेंशन एरिया वाली जो ज़मीन होती है, तो आज हम उसे देखने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा एरिया पड़ता है गाजियाबाद में, दिल्ली NCR के अंदर आता है और पहली ईस्टर्न वैली फैल के अंदर की तरफ भी है। तो ये हमारा रैपिड मेट्रो मेरठ टू दिल्ली जो बनी है उसी के पास पड़ता है। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमारा गुलदर है और जो एक मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है उस एरिया से, इस लोकेशन से, और 2 किलोमीटर की दूरी पर है आपका दुहाई मेट्रो स्टेशन। तो चलिए देखते हैं। पहले आप बताइए कौन सी लोकेशन है ये? ये पड़ती है जी फ्रेंड्स कॉलोनी संजय नगर गाजियाबाद। तो यहाँ आने का रास्ता मतलब कहाँ से हमें पास पड़ेगा? ये हमारा एक्सटेंशन चौराहा है, राजनगर एक्सटेंशन चौराहा। हाँ जी, वहाँ से हम हापुड़ चुंगी की तरफ जाएंगे, वहाँ पे रास्ता जा रहा है, वहाँ से सीधा फॉर्चून होटल से सीधा रास्ता है। अच्छा, अगर हम यहाँ से अभी सुनने में आए, यहाँ पे आसपास मेट्रो स्टेशन भी कोई बना है नज़दीकी? हाँ जी, ये रैपिड रेल का मेट्रो स्टेशन बना है यहाँ पर दुहाई से, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर, और जो गुलदर वाला है वो 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो ये अगर हम यहाँ से अभी कोई डायरेक्ट रास्ता मतलब खुल चुका है या फिर अभी बनना है? अभी थोड़ा सा वक्त है, लगभग लगभग एक या दो महीने के अंदर रास्ता खुल जाएगा। तो यानी आपका कहने का मतलब यह है कि मुश्किल से यहाँ से अगर हम रैपिड मेट्रो दुहाई वाला स्टेशन देखें तो 10 से 15 मिनट का रास्ता होगा अपनी गाड़ी से? हाँ जी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो एरिया है ये चारों तरफ से मतलब कैसे गांव का इलाका है या फिर शहरी है, ये किस टाइप का है? आप देखना इधर की साइड, पूरा का पूरा शहरी इलाका है, फ्री होल्ड कॉलोनी है, ये पूरी की पूरी बसी हुई है। अच्छा, इधर की साइड से आप देखोगे तो गांव का कोई एरिया नहीं है यहाँ पर। ये ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ये जो आपकी इन्वेंट्री है ये यहाँ पे मतलब क्या आप दिखाएंगे, आपके पास क्या प्रोडक्ट है आज? हमारे पास ये 2 प्लॉट है हमारे पास, बाकी सारे हमारे सेल आउट भी हो चुके हैं ये सारे। अच्छा, के सारे प्लॉट ये हमारे 2 हैं, 111 गज के 2 प्लॉट हैं जिनका साइज है 20x50। 20x50, 20 इनका फ्रंट है और 50 इनकी गहराई है। तो काफी बड़े हैं। तो अगर रेट की बात करें तो यहाँ पे इस टाइम रेट हमारे कितने रुपए गज चल रहा है? यहाँ पे 22,500 रुपए गज रेट है, जो एक प्लॉट पड़ेगा आप अप्रोक्सीमेटली 25 लाख रुपए का एक प्लॉट पड़ेगा। तो ये कुछ ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा ना, जैसे हम तो वीडियो आप आज डालेंगे, अब कोई आपके पास 3 महीने बाद आता है तो मतलब ये कितने लिमिटेड? 3 महीने के बाद तो आपको रेट बढ़ के ही मिलेगा। अच्छा, मतलब जिस हिसाब से कॉलोनी बढ़ रही है उसके हिसाब से रेट बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, और अगर आप आते हो तो इसमें भी हम गुंजाइश कर देंगे। अच्छा, मतलब ऑन टेबल बैठेंगे तो एक वो अलग डील की बात। बिल्कुल, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको यहाँ की लोकेशन दे देंगे और एक बार आप आइए, विजिट कीजिएगा, उसके बाद आप देखो समझो डील को, तब उसके बाद क्रैक करते हैं और जैसा ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएट और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन पहले एक बार आप विजिट कीजिए। सैटरडे संडे के सामने 28 फुट का रास्ता है, ये काफ़ी चौड़ा है, फ्री होल्ड कॉलोनी में कभी भी मिलता नहीं है। हाँ, और यहाँ पे सीवेज का क्या है? सीवेज का हम आपको नाली वगैरह बना के देंगे, सीधा का सीधा गवर्नमेंट का नाला है, आप उसमें जाएगा वो। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए खंबे आप मतलब खंबे देख रहे हैं? लग चुके हैं हमारे, 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर बिजली आ जाएगी, हमारे सब कुछ पास हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी काम में तो आपको पता ही है थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर बिजली। तो वो सारी चीज़ आप मतलब पास करा के देंगे? सब कुछ हम देंगे उसमें। उसमें मतलब और कोई मतलब कभी मतलब पता चला आपने किसी को दे दिया, अब वो अपना लड़ाई लड़ता है? नहीं, वो सब हम करा के देंगे। ये यहाँ से मधुबन के फ्लैट दिख रहे हैं हमारे, और आने वाले टाइम में मुश्किल से 4-5 साल भी कम हैं, और इससे पहले काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे मतलब और भी सोसाइटियाँ आ रही हैं। तो ये आप देखें यहाँ से मात्र कितनी दूर आई पे, ये हमारा रोड यहाँ एंड हो रही है और ये रोड भी हमारी सीधी जाएगी।